जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी प्यासी राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका। जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के मसूरी गुलावटी रोड पर उदयरामपुर नंगला के पूर्व प्रधान प्रदीप नागर ने भक्तों के लिए भंडारा का इंतजाम हर साल करते हैं। लोगों ने कहा पूर्व प्रधान प्रदीप नागर बहुत अच्छे इंसान हैं जो पिछले 10 साल से यहां कांवड़ियों के लिए भंडारा का इंतजाम क्या करना चाहेंगे प्रधान जी? आइए देखते हैं हमारे पूरे क्षेत्र के जो हमारे कांवड़ भक्त हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे क्षेत्र में जितने मेरे साथी नौजवान साथी बुजुर्ग सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 साल से जो कोरोना काल चला था उस टाइम से हमारे जो कांवरिया भक्त हैं वहाँ नहीं पहुँच पाए और 2 साल के बाद मौका मिला है। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो बुरा वक्त था वो टल गया, अब अच्छे वक्त आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे भोले आते रहेंगे हम इस प्रकार जो है शिवरात्रि पे एक भंडारा का जो आयोजन करते हैं हर साल उसे करते रहेंगे। जनता को क्या संदेश है? जनता को संदेश ये है कि जो भोले हमारे आ रहे हैं सब इसमें सहयोग करके इन भोले की सेवा करें और जैसी गांव में जा रहे हैं सब भोले की सेवा करें, गर्म पानी करके प्रसाद करके सभी लोग सेवा करें। सुधीर नागर गांव है, उदयरामपुर नंगला गांव है मेरा। यहां पे जो भंडारे का इंतजाम किया गया किसने करवाया? ये पूर्व प्रधान प्रदीप नागर जी ने जो व्यवस्था करी है यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे बताइए प्रदीप नागर जी के बारे में। बहुत ही अच्छे लड़के हैं और अपने उनका जो गांव के प्रति बहुत अच्छा हुआ योगदान है। हर उसमें जो हर बार जो व्यवस्था करते हैं भंडारे हर साल व्यवस्था करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह गुर्जर। तो यहाँ पे जो भंडारा का इंतजाम किया गया है किसके माध्यम से किया गया? ये प्रदीप नागर जी हैं हमारे भूतपूर्व प्रधान, उनके माध्यम से होता है, हर एक साल होता है। कितने सालों से यहाँ पे हो रहा है? 12-13 साल से तो हम देख रहे हैं जी। हाँ तो आज शिवरात्रि भी है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? शिवरात्रि है आज, प्रसाद व्यतीत हो रहा जैसा भी है और अपने जो श्रद्धालु आए हैं उनको सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आए हो? चौना गांव से, जिला गौतम नगर। अच्छा, आप हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हो? हाँ जी, हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हो। भोले बाबा के बारे में क्या कहना चाहोगे? भोले बाबा के बारे में कहना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा कोई भी कांवड़िया नहीं गया था लॉकडाउन में, लेकिन अब 10 करोड़ की तादाद में हमारे कांवड़े गए हैं। जगह जगह भंडारे की व्यवस्था है, कांवड़िया को अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ जगह जिला हापुड़ में नंगला गांव में पूर्व प्रधान प्रदीप नागर जी ने बहुत अच्छी सुविधा करी है। देखो भक्तों के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है उन्होंने। रास्ता एकदम बढ़िया मिला। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड पुलिस बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था उनका, हर जगह बढ़िया सुविधा थी कांवड़ियों के लिए। बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, ऐसी सरकार मैं कहता हूँ कि बार बार आए बाबा ही हर बार आए।